first of all, congratulations all IGI entire team printed by Ramit Kapoor and Council of Belgium and all students. मैं तो सभी को बोलता हूँ कि लाइफ में स्टूडेंट रहना चाहिए और आप लोग को तो बहुत अच्छा अवसर मिला है कि आप स्टूडेंट है. बुक में पढ़ा था जो स्टूडेंट रहता है ना उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है. तो अपॉर्चुनिटी तो इंडिया में बहुत है, वैसे बताया वैसे अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लेकिन जो स्टूडेंट रहेगा सीखते रहेगा उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा. आईजीआई की जो बात करें तो स्टैंडर्ड और क्वालिटी 20 साल पहले सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा कर पाएंगे. तो आज भी किसी को लेबोरेटरी करने का तो भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लाइफ में आदमी को सीखता रहना पड़ेगा. मैं खुद ये सोचता हूँ कि लर्निंग मैन इज अर्निंग मैन. जो आदमी सीखते रहेगा वो अर्निंग चालू रहेगा. तो लाइफ में सीखेगा तो आगे जरूर बढ़ेगा. आपको जो स्टूडेंट है, क्योंकि बातें बाकी तो सब जो कलीग है वो मेरे लाइन में ही है, लेकिन आप जो स्टूडेंट है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत कम ऐसे बिजनेसमैन होंगे कि जिसने खुद ने आईजीआई का या तो कोई भी लेबोरेटरी का कोर्स किया होगा. हम चार भाई है, मिलन भाई ने या तो कविन जी ने किया तो कामा भाई ने किया तो मालूम नहीं कोलिन भाई ने, लेकिन मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है. तो आप लोग ने कोर्स किया और आप बड़ा इंडस्ट्री रख सकते हैं. फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, डायमंड में जाओ, ज्वेलरी में जाओ, रिटेलर में जाओ, तो एक आपको कहने के लिए मिलेगा लाइफ टाइम कि भाई मैंने खुद ने आईजीआई का कोर्स किया हुआ है और ये ग्रेडिंग है, ये क्वालिटी है. तो अपॉर्चुनिटी सभी चीज़ में अलग अलग है. इधर भी अलग अलग फैकल्टी रहेंगे, वो सिखाएंगे, लेकिन वो बोलेंगे लाइफ टाइम वो भी याद रखेंगे कि मैंने ये जिग्नेश को सिखाया था, मैंने ये तरुण को सिखाया था और आज उसका 500 लोग वहाँ पे काम करते, उसका 300 स्टोर है, वो आज के ज्वेलरी में नाम किया हुआ है. तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है दुनिया में किसी के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है. दूसरा, मैं सभी को बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड में बहुत सारा धंधा है. हम भी चार भाई है, नेक्स्ट जनरेशन में भी ऑलरेडी 5 नेफ्यू आ गए. ये मिलन भाई जो है ना वो थर्ड जनरेशन है और उसके बाद में फोर्थ जनरेशन भी ऑलरेडी 5 बिजनेस में आ गए. बराबर ना मिलन भाई, 5 बिजनेस में आ गए. तो मिलन भाई पढ़े लिखे हैं, पिताजी से ज़्यादा पढ़े होंगे, बच्चे और पढ़े होंगे, तो दुनिया में तो रिसर्च किया होगा कि डायमंड ज्वेलरी छोड़ के कौन सा बिजनेस बढ़िया है. तो मेरे साथ में अभी ट्रेन में फ्लाइट में थे सोनक जो नानू बोलते हैं, तो हमने बहुत सारा बात किया. बोला नेक्स्ट जनरेशन को और कोई इंडस्ट्री में क्यों नहीं भेजा, आप तो सात कजिन आ गए. तो उसके बाद में 5 भी आ गए, फोर्थ जनरेशन. तो बोला और कोई के बारे में आपने नहीं सोचा? बोला हमने तो इतना नहीं सोचा था, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन ने सोचा. लेकिन सभी को डायमंड ज्वेलरी जैसा बिजनेस कोई नहीं लगते. तो मैंने भी रिसर्च किया हुआ और मैं खुद मानता हूँ कि ये जो धंधा है ना हमारा, क्या बेचने का है? हैप्पीनेस, खुशियाँ. ऐसा कोई भी धंधा नहीं है. बाकी सभी धंधा है ना मजबूरी से लोग करते हैं या तो करना पड़ता है. हमारे धंधे में हैप्पीनेस के अलावा कुछ बेचना नहीं है. और कभी कभी हम इंडस्ट्री में है धंधा करते और देखते हैं कि वो मजबूरी जैसे बेचते, कभी तो बेचना पड़ेगा, करना पड़ेगा. मार्केट बहुत ठंडा है, पहले बहुत अच्छा था. हमारे वहाँ भी फॉरेन से बहुत सारा कस्टमर आते हैं, 182 कंट्री में एक्सपोर्ट करते. तो कस्टमर को बात करते बोला कभी कैसा है, तो कि अभी 2018 अच्छा नहीं है, 15 बहुत अच्छा था. और 15 में बात किया तो भी बोलते थे अभी अच्छा नहीं है, पहले बहुत अच्छा था. और अभी 18 के बारे में नेगेटिव बोलेंगे, 2021 में बात करेंगे कि 18 कैसा था, तो तभी तो अच्छा था, पर 18 के टाइम पे तो उसने सही बताया नहीं था. मतलब लोग थोड़ा नेगेटिव होते हैं. पॉजिटिव को हम देखते हैं ना पेपर में भी, तो पेपर में अच्छे से ज़्यादा बुरे का समाचार ज़्यादा आते हैं और हमारा ध्यान वहाँ पर चला जाता है. तो पॉजिटिव बहुत सारे चीज़ है. मैं तो ये दिव्य भास्कर का जो MD है ना उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ट्रेन में साथ में हो गया था मिलन भाई. तो मैंने बोला एक पेपर निकालो ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ नहीं है. पॉजिटिव देखेंगे तो दुनिया में बहुत सारा पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव देखेंगे तो मिलेगा आप, लेकिन दुनिया चलती है तो नेगेटिव तो रहेगा, लेकिन पॉजिटिव बारे में सोचेंगे तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आदमी को मिलेगा और लाइफ में आगे बढ़ पाएगा. तो दुनिया में भी बहुत जगह पे अलग अलग पॉजिटिव हर एक मूवमेंट होता होगा. हमारे पास जो आ रहा है नेगेटिव, ये एक्सीडेंट हुआ, इतना रोड हो गया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया. 20 साल पहले मैं US गया था तो देखता था, न्यूयॉर्क में हमारा ऑफिस है 46 में, तो सुबह लोग जाते थे ना तो मैं ये स्टारबक का कप लेके जानते थे, मतलब ये समझते थे घर पे तो ब्रेकफास्ट नहीं करते होंगे, तो सीधा वो चाय का कॉफ़ी का कप लेके जाते थे. आज हम देखें तो इधर इंडिया में भी वही हो गया. मैं कैपिटल बिल्डिंग में सुबह देखता हूँ तो सब जो यंगस्टर है और सुबह आते हैं कान में वॉइस होते हैं और वही, मतलब 20 साल पहले जो US में था वो आज इंडिया में हो गया. तो आज जो भी इंडिया में है और नहीं है, तो फॉरेन में जो होगा वो इंडिया में होने वाला है.
तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत मतलब बहुत है। आगे भी मैंने बोला था 125 करोड़ पॉपुलेशन है और यूएस में करीबन 35 करोड़ है कुल में, बराबर है। और हमारे जो कंजप्शन है उसके वहाँ से 4 टाइम है, तो इंडिया में तो ये बढ़ने वाला है। तो जो धंधा करेगा, जो इंडस्ट्री खड़ा करेगा, उसको सब बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो वेस्टर्न में जो था वो सब इंडिया में आ रहा है। नेगेटिव चीज़ हमको वहाँ का नहीं लेने का, लेकिन पॉजिटिव चीज़ तो जरूर हमको लेने का है। 365 डेज जब भी हर रोज कोई ना कोई डे सेलिब्रेशन का दिन आने वाला है। अभी तो साल में करीबन 50 डे सेलिब्रेट होता है, लेकिन एक दिन आएगा 365 दिन सेलिब्रेट होता होगा, तो हमारा ज्वेलरी तो लोगों हर रोज पहनेंगे और अल्टीमेटली बांटेंगे हम खुशियाँ। तो आप लोगों को बहुत बड़ा अवसर है, IGI डे बाय डे प्रगति करे, ऐसा इंस्टीट्यूट करे जैसे बताया वैसे कॉलेज भी करे और वहाँ पे कोर्स करने के लिए आवे और बड़ा ने बड़ा ओपनिंग हो, ऐसी शुभकामना, आगे सब बढ़ो, ऐसी शुभकामना। थैंक यू।